गुरुवार की रात खगौल थाना ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बड़ी बदलापुर खगौल का रहने वाला मोहम्मद दानिश है। जानकारी के मुताबिक पियरो आरा की रहने वाली 24 वर्षीय महिला अपने परिवार से झगड़ा कर 16 अगस्त को आरा से ट्रेन पकड़कर रात करीब 8 बजे पटना स्टेशन पहुंच गई। जब उस महिला का गुस्सा शांत हुआ तो 17 अगस्त को सुबह 4 बजे घर जाने के लिए पटना स्टेशन से टेम्पो पकड़ फुलवारी शरीफ गोलंबर आई। फुलवारी शरीफ गोलंबर से एक टेम्पो पर बैठकर दानापुर रेलवे स्टेशन आ रही थी, मगर युवती को अकेला देखकर टेम्पो ड्राइवर ने शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने घर खगौल ले आया। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिया आवेदन में बतलाया कि दानिश ने सुबह से शाम तक उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के बाद लगभग 7 बजे रात को दानापुर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया और कहा कि अब वो उसे शादी नहीं करेगा, और दानिश महिला को दानापुर रेलवे स्टेशन पर किला छोड़कर कहीं भाग गया। इस संबंध में खगौल थाना प्रभारी फूलदेव चौधरी ने बताया कि शिकायत मिली कि किसी युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दानिश को खगौल मोती चौक के पास से करीब 9 बजे रात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजते हुए गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल शाम में हम लोग को सूचना मिली कि एक महिला के साथ अवैध व्यवहार किया गया है बड़े पदरपुरा खगौल में। इस सूचना पर हम लोग गए तो पीड़िता वहाँ पर में थी। उनके द्वारा बताया गया कि हम फुलवारी शरीफ गोलंबर से खगौल आ रहे थे, इसी क्रम में ऑटो ड्राइवर ने हमें शादी का प्रलोभन दे करके वो अपने घर लेके चला गया, मेरे साथ गलत काम किया है। इसका हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला का फर्द बयान लिया गया। फर्द बयान के बाद जो नाम बताए वो मोहम्मद दानिश का नाम बताई, जो ऑटो चालक था वह बड़ी बदलपुरा में एक तिवारी जी के मकान में किराए पर रहता था। वह वहाँ से भाग चुका था, लेकिन नाम पता चलने के बाद हम लोग उसको गिरफ्तार किए और महिला का जो है हम लोग मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेजे हैं, और जो ये एक्यूज है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।